बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। आप देख रहे हैं माय स्पोर्ट्स शो। भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 5 टी20 मुकाबलों की श्रृंखला 9 जून से शुरू होगी, जिसमें से कुछ बीसीसीआई ने कुछ सीनियर खिलाड़ियों को आराम दिया गया है और कुछ सीनियर खिलाड़ियों को मौका मिला है और कुछ नए खिलाड़ी भी इस स्क्वाड में शामिल हैं, जबकि उमरान मलिक का नाम भी इस स्क्वाड में है। उमरान मलिक इस सीज़न में शानदार गेंदबाजी उमरान मलिक ने की थी, इसके तौर पर उमरान मलिक को इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का मौका मिल सकता है। उमरान मलिक ने इस सीज़न 15 में 14 मैचों में 21 विकेट लिए थे। शानदार गेंदबाजी उमरान मलिक ने की थी, लेकिन उससे पहले साउथ अफ्रीका के मौजूदा कप्तान टेम्बो बाउमा ने चौक देने वाला बयान कह दिया, ट्वीट किया। बाउमा ने यह कहा कि हम तेज़ गेंदबाजी को बचपन से ही खेलते आ रहे हैं, हमारे पास भी शानदार तेज़ गेंदबाज हैं जो कि 150-155 की रफ्तार से गेंदबाजी फेंक सकते हैं। लेकिन टेम्बो बाउमा को यह पता नहीं कि उमरान मलिक ने सनराइज़र हैदराबाद के लिए भी ये सीज़न खेला था, जिसमें उमरान मलिक का कोच डेल स्टेन था, जो कि साउथ अफ्रीका के तेज़ गेंदबाज थे। उसके बाद अर्शदीप सिंह को भी मौका मिला है सीरीज़ को खेलने के लिए। अर्शदीप सिंह ने भी इस सीज़न शानदार परफॉर्मेंस दिखाई थी। हार्दिक पांड्या की लंबे अरसे के बाद वापसी हुई है। हार्दिक पांड्या इंजरी के कारण आराम कर रहे थे, लेकिन उसके बाद अब वापसी टीम इंडिया में हुई है। शानदार परफॉर्मेंस इस साल हार्दिक पांड्या ने किया। दिनेश कार्तिक, 2 साल के बाद, लंबे अरसे के बाद दिनेश कार्तिक की भी वापसी हुई है। आईपीएल में शानदार परफॉर्मेंस दिखाने के बाद दिनेश कार्तिक को वापसी हुई है, जिसमें से युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव को भी मौका मिला है। इस सीरीज़ के कप्तान केएल राहुल भारतीय टीम से कप्तानी करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।